हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के क्वाड्रिलेटरल शुरू करने जा रहे हैं। सो आज जो हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है? तो मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है कि ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। इसका मतलब कि कोई एबीसी ट्रायंगल है और इसमें एबी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, और एसी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। तो कोई एक लाइन है, अगर डी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो डी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बीसी। जो डी हो जाएगा पैरेलल टू बीसी और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी। तो ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। सपोज जैसे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है बीसी, तो ये कितना हो जाएगा, डी 5 सेंटीमीटर। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ये होता है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्स द थर्ड साइड। इट मीन्स कि अगर डी ए बी सी कोई ट्राइंगल है, अगर डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बी सी के पैरेलल, तो यहाँ से जो भी लाइन बी सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो इस एसी को भी बाइसेक्ट कर देगा। इट मीन्स कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। गिवन क्या है कि डी मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और डी पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं किसके, बी सी के। तो ये जो ई बी जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए सी का। इट मीन्स कि जो E है मतलब AE बराबर क्या हो जाएगा, EC। तो ये होता है कन्वर्स। और जो एक्सरसाइज 8.2 है ये दो ही थ्योरम पे, मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है और इनका मिड पॉइंट्स दिया हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। तो इसमें ये प्रूफ करना है कि एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर जो है पैरेलल टू ए सी है, ये प्रूफ करना है हमें कि एस आर पैरेलल टू ए सी और पी क्यू इक्वल टू एस आर, और थर्ड में प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू, और ए सी क्या, डायगोनल है। तो हमें प्रूफ करना है कि एस आर पैरेलल टू ए सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार ट्राइंगल लेते हैं, किस ट्राइंगल को लेंगे, ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स। Of AD and DC, AD and DC, therefore लिख सकते हैं कि जो SR क्या होगा, पैरेलल किसके हो जाएगा, AC के, और SR क्या होगा, हाफ ऑफ AC भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको इक्वेशन वन ले लेंगे by मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे ही एक बार ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ABC, इसमें भी P एंड Q
मिड पॉइंट है, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए सी, और पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी, इसको इक्वेशन, इसको एक ही में लिख देंगे, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और एस आर भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी, वैसे ही पी क्यू भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर, तो ये लिख सकते हैं कि एस आर इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू, और एस आर पैरेलल टू पी क्यू फ्रॉम वन एंड टू। तो यहां से, क्योंकि देखिए एस आर क्या है, पैरेलल किसके, ए सी के, और पी क्यू भी किसके पैरेलल है, ए सी के, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएगा, पैरेलल, एस आर पैरेलल किसके हो जाएगा, पी क्यू के। तो यहां से लिख सकते हैं कि, और एस आर भी किसके इक्वल है, हाफ ए सी के, और पी क्यू भी किसके इक्वल है, हाफ ए सी के। इट मीन्स कि पी क्यू और एस आर दोनों आपस में इक्वल हो गया, और जैसे ही इक्वल हो गया तो पी क्यू आर एस क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो ये प्रूफ हो गया, और पी क्यू इक्वल टू एस आर ये प्रूफ हो गया इससे। तो यही था फर्स्ट क्वेश्चन, तीनों प्रूफ हो गया, एस आर पैरेलल टू ए सी, ये मिड पॉइंट थ्योरम से। सेकेंड क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक रोम्बस दिया हुआ है, एबीसीडी रोम्बस है, रोम्बस से क्या होते हैं, सब साइड इक्वल होता है, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, क्यू किसका है, बी सी का, आर किस, और इस तरह से PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, so that quadrilateral is a rectangle. PQRS is a rectangle proof करना है, मतलब इसको एक rectangle proof करना है, PQRS is a rectangle. इसको कैसे proof करेंगे, तो rectangle proof करने के लिए इसमें proof जो करना होगा कि PQRS को एक parallelogram proof कर देंगे, और किसी भी parallelogram में अगर एक angle अगर 90 degree, कोई एक angle को 90 degree proof कर देंगे तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल हो जाता है। जैसे कि किसी भी पैरेललोग्राम में सपोज कर लो कि ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इसमें क्या एक एंगल अगर 90 प्रूफ कर देते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब अगर ये ए 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, और ये लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल डी प्लस ए का सम कितना होगा 180, तो ये भी क्या होगा 90, और इसके अपोजिट का एंगल भी क्या हो जाएगा 90, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। तो चलिए इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, कि पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा और फिर कोई एक एंगल को 90 प्रूफ कर देंगे, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं और इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, सपोज कर लो ये M पे मिल रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल मिलेंगे ए बी डी। अब इन ट्रायंगल ए बी डी ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, P और S क्या है, मिड पॉइंट है, तो लिख सकते हैं पी एस पैरेलल टू बी डी हो जाएगा। वैसे ही इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी सी डी, एक बार ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, देयरफॉर आर क्यू पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी डी, और आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी,
वैसे ही पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी मिड पॉइंट थ्योरम से, तो लिख सकते हैं कि पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू, सो हेंस पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया. सो पी एस पैरेलल टू आर क्यू और पी एस इक्वल टू आर क्यू, हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया. अब एक बार यहां पे लेते हैं, मतलब कि इसका दे देते हैं सपोज नाम एम पी क्यू टी ले लेते हैं. तो एम पी क्यू टी में एम पी किसके पैरेलल है, टी क्यू के, क्योंकि ये लाइन क्या था, पैरेलल था. वैसे ही इसमें पी क्यू क्या है, पैरेलल किसके, एम टी के. तो किसी भी, जैसे इसमें ले रहे हैं एम पी क्यू टी में देख रहे हैं कि एम पी किसके पैरेलल है, टी क्यू के. वैसे ही पी क्यू किसके पैरेलल है, एम टी के. तो लिख सकते हैं कि एम पी क्यू टी इज अ पैरेललोग्राम. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होता है, तो वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है. तो लिख सकते हैं एम पी क्यू टी इज ए पैरेललोग्राम. तो एम पी क्यू टी एक पैरेललोग्राम हो गया. और एक और प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है, इसमें दिया हुआ है कि एक रोम्बस है. ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है. और एक रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, 90 डिग्री पे. तो इट मीन्स कि ये ए बी सी डी एक रोम्बस है और ये बी डी और ए सी क्या है, इनके डायगोनल्स है. तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, 90 डिग्री पे. तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. और अभी प्रूफ किए हैं क्या कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया, एम पी क्यू टी. तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये वाला जो एंगल एम होगा, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, ये. तो अब ये क्या हो गया, एंगल क्यू यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री. तो हेंस लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल. तो सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से प्रूफ करेंगे. मतलब इसमें यही था कि अगर ये रोम्बस दिया हुआ है तो यहां पे इनके डायगोनल्स क्या, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते, तो ये एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री. और इसके जस्ट अपोजिट का ये क्या हो गया, 90 डिग्री. मीन्स इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लिए, पी क्यू या एम पी क्यू टी को. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल. ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQ RS आर द मिड पॉइंट्स. इनके मिड पॉइंट दिया हुआ है PQ RS, इनके मिड पॉइंट दिया हुआ है. तो हमें प्रूफ करना है कि PQ RS क्या हो जाए, रोम्बस प्रूफ करना है. तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इनके पहले डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए रोम्बस का एक बस ये प्रूफ करना है कि इनके सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इनके सब साइड को इक्वल प्रूफ करना है. तो इसके लिए एक बार ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ए बी डी को. एक बार कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी. तो इस ट्रायंगल में ए बी डी में देखते हैं कि पी और एस किसका मिड पॉइंट है. पी किसका है, ए बी का. वैसे ही एस किसका है, ए डी का. तो लिख सकते हैं यहां से पी एस पैरेलल किसके हो जाएगा, बी डी के. और पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी यहां पे लिख देना होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम. वैसे ही एक बार इस ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में
आर क्यू किसके हो जाएगा, पैरेलल बी डी के, और आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी। ये लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। वैसे ही एक बार आपको कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, ए बी सी में, ए बी सी में पी एंड क्यू क्या मिड पॉइंट्स, तो लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा, ए सी के, और पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी मिड पॉइंट थ्योरम से। वैसे ही एक बार ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी में एस और आर क्या मिड पॉइंट से, तो एस आर पैरेलल किसके हो जाएगा, ए सी के, और एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी। और एक चीज है कि जो रेक्टेंगल के इसमें गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए सी इक्वल टू बी डी। अब जहाँ जहाँ बी डी है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। वैसे ही एस आर इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी डी, और यहाँ पे पी एस इक्वल टू भी हाफ ऑफ बी डी है, आर क्यू इक्वल टू भी हाफ ऑफ बी डी है। तो इन इस इक्वेशन से ए वन टू थ्री फोर ये चार इक्वेशन से लिख सकते हैं कि पी एस इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू आर एस। तो ये जब चारों साइड इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया प्रूफ कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फोर। इसमें गिवन है कि एक ए बी सी डी का एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और इसमें ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के, और बी डी इज़ द डायगोनल, बी डी एक डायगोनल दिया हुआ है, और ई इज़ द मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ए लाइन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, मतलब बी सी को कहाँ, एफ पे मीट कर रहा है, सो डैट द एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मतलब ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, यहाँ से एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं किसके, ए बी के, तो ये जो एफ के मिड पॉइंट पे टच करेगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। अब इसमें देखिए कि एक बार ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल ले रहे हैं, और इसमें ई क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। तो यहां पे लिख सकते हैं अगर मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ट से कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक मतलब यहां से मिड पॉइंट है एक साइड का दिया हुआ है, और वहां से इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब यहां से एक पैरेलल लाइन, तो अगले यहां पे भी मिड पॉइंट को ही टच करेगा। तो इट मींस यहां पे लिख सकते हैं कि लिखना पड़ेगा कि ई इज द मिड पॉइंट है ए डी का, और ई एफ जो है पैरेलल किसके है, ए बी के, देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्यू किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, बी डी का। वैसे ही एक बार अब क्यू मिड पॉइंट हो गया, यहां बाय ब्रैकेट में लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे ही एक बार कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इसको बी सी डी में, अगर किसी भी ट्रायंगल में ये क्या मिड पॉइंट दिया हुआ है, और ये लाइन क्या है इसके पैरेलल है, और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, इट मींस कि ई एफ दिया हुआ है किसके पैरेलल, ए बी के, और ए बी के पैरेलल कौन सा है, डी सी, तो तीनों लाइन आपस में क्या है, ये पैरेलल है। तो बोल सकते हैं ना कि ये लाइन
डीसी के पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कोई लाइन तो एफ वी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो ये प्रूफ हो गया इसे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे ही क्वेश्चन नंबर फाइव में क्वेश्चन नंबर फाइव में वैसे ही दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ई एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है ऑफ ए बी और डी सी का। तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी डी मतलब ये जो लाइन है ए एफ और EC, इस जो डायगोनल BD को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बस ये प्रूफ करना है कि ट्राइसेट कर रहा है, मतलब DP बराबर PQ बराबर BQ, यही प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें ये दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इट मींस कि लिख सकते हैं कि AB पैरेलल होगा किसके, DC के। वैसे ही अगर AB पैरेलल है DC के और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB, अगर AB का अगर हाफ करते हैं इस किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ DC के। तो AB का हाफ करेंगे क्या हो जाएगा, AE। तो AE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं और इसका हाफ क्या लिख सकते हैं, FC। तो लिख सकते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर और ए ई क्या हो जाएगा, ए ई पैरेलल भी है क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। तो ए ई भी पैरेलल क्या हो जाएगा, एफ सी के। तो यहां से लिख सकते हैं कि ए ई सी एफ भी क्या हो गया, इज ए पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ भी पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या करना होगा कि ए ई सी एफ पैरेललोग्राम जैसे प्रूफ हो गया, तो अब एक बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी क्यू सी में, ठीक है। अब इसमें ये लाइन क्या है, पैरेलल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेलल और इक्वल। तो पी एफ पैरेलल किसके है, क्यू सी के, और एफ क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इट मीन्स लिख सकते हैं डी पी बराबर क्या हो गया, पी क्यू। वैसे ही एक बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इस वाले ट्रायंगल ले लेंगे, बी पी ए या ए बी पी। तो इसमें क्या है, ये लाइन मतलब ए पी किसके पैरेलल है, ई क्यू के, और ये मिड, ये ई क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी का। तो यहाँ से जो लाइन जाएगा इसके मिड पॉइंट पे टच करेगा, तो इट मींस कि ये वाला पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी। तो तीनों आपस में बराबर, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो तीनों आपस में बराबर हो गया। तो इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।